वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्पाइंडिंग चैनल में वर्षा और आज हम बात करेंगे आप कैसे नेचुरल रेमेडीज से अपने स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग ग्लोइंग बना सकते हो और वो है उबटन। उबटन आपको पता है हम शादी में हल्दी के दिन बहुत अच्छे से लगाते हैं, शादी के एक दिन पहले लगाते हैं हल्दी और हल्दी में हम उबटन यूज़ करते हैं। तो हल्दी लगाने से हमारा फेस कितना अच्छा ग्लो करता है और ये सबको पसंद है, ये लड़की लड़कियां दोनों लगाते हैं हल्दी। और हल्दी एक हमारे फेस को अलग ही शाइन करता है और ये हमारे फेस पे एक अलग ही ग्लो करता है और ये सब लोग लगाते हैं, सबको बहुत पसंद भी आता है क्योंकि शादी में हमारे फेस पे जो ग्लो और जो चमक दिखती है ना वो पूरे हल्दी के वजह से ही होती है उस टाइम पे। तो आज मैं आपको एकदम इजी रेमेडी से उबटन बताऊंगी जो बहुत इजी है, आपके घर में वो सब अवेलेबल होगा, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। और आप इसे यूज़ करके देखिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो करेगा। और हम सिर्फ इसे शादी के टाइम पे ही क्यों यूज़ करना चाहिए, आप इसे वीक में 2-3 टाइम्स हमेशा यूज़ कीजिए, आपके फेस पे एक अलग निखार और एक ग्लो आ जाएगा, आपको खुद लगेगा कि आपका फेस एक बहुत अच्छा शाइन कर रहा है। तो गाइज़ ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले गाइस, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो गाइस, उबटन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबल स्पून बेसन। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन लिया हुआ है। आपको कच्चा दूध की ज़रूरत है, रॉ मिल्क और पिंच ऑफ हल्दी एंड कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल के जगह पे आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, इस तीनों चीज़ इसमें मिक्स करना है। 2 टेबल स्पून बेसन, अब इसमें हम ऐड करेंगे पिंच टेबल स्पून से भी हाफ, मतलब हाफ टेबल स्पून टर्मरिक, और अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। और इसे इसमें अब हम रॉ मिल्क ऐड करेंगे, हम रॉ मिल्क जब तक वो एक पेस्ट ना बन जाए उस हिसाब से ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से पेस्ट बनाइए, अगर आपको लगता है ये बहुत थिक है तो आप इसमें और रॉ मिल्क ऐड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। कैसे लगाना है, सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से टाई कर लीजिए। अब आपको उबटन को अपने फेस पे नेक पे आप अच्छी तरह से लगा लीजिए। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा एक पेस्ट बन गया है, अब इसे आप अपने अच्छी तरह से अपने फेस पे लगा लीजिए। बेसन हमारे फेस को स्किन को बहुत लाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम करता है, हल्दी भी हमारे स्किन को ग्लो करती है और कोकोनट ऑयल हमारे फेस को स्किन को मॉइस्चराइज करता है, भी बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए, ये आपको बहुत अच्छा एक फेस पे ग्लो शाइन देगा। आप इसे वीक में 2-3 टाइम्स कर सकते हो, ये बहुत नेचुरल है, आपके पिंपल्स एक्ने प्रॉब्लम सब रिमूव हो जाएंगे और आपके फेस पे एक बहुत अच्छा ब्राइट ग्लो करेगा और फेयरनेस भी आ जाएगा।
तो हम इसे ऐसे ड्राई होने देंगे 10 टू 15 मिनट्स के लिए और उसके बाद वॉश कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो ये 20 मिनट्स हो चुका है, ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं एक प्लेन ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ और ये नेचुरल है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया इस पर और फेस बहुत अच्छा शाइन ग्लो कर रहा है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा फेस और आप ये ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा, ये बहुत नेचुरल है।